हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पिवट पॉइंट मार्केट ट्रेंड, मार्केट रेंज और देखेंगे आज कहाँ एंट्री कर सकता है बैंक निफ्टी में, तो कहाँ तक टारगेट हम सेट कर सकते हैं उसका ऊपर भी बात करेंगे हम। तो इसे देख सकते हैं आप, बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी आज पिवट पॉइंट 26998, फर्स्ट रेजिस्टेंस 27133, सेकेंड रेजिस्टेंस 27390 एंड थर्ड रेजिस्टेंस 27525 एंड फर्स्ट सपोर्ट 26742, सेकेंड सपोर्ट 26607 एंड थर्ड सपोर्ट 26350। तो ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी, मैंने ये 50 मिनट का चार्ट लिया हुआ है, तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी आज गैप अप में ओपन हुआ है और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट क्या है, चलो मैं थोड़ा आपको 50 ड्रो करके दिखाता हूँ। इसमें तो देख सकते हैं ये हायर हाई बनाया, तो इसको हम फिबोनाची कनेक्ट करके हम कल एंट्री किया था, जहाँ पे एंट्री पॉइंट भी दिखाएंगे आपको। तो हमने 50% रिट्रेसमेंट में एंट्री किया था, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो 50% रिट्रेसमेंट हुआ था, राइट, ये 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमें कॉन्फर्मेशन मिला तो मार्केट एंट्री होने के लिए यहाँ पे, तो मार्केट जा रहा है जो मतलब ये प्रीवियस एंट्री किया था। तो अगर कल देखेंगे तो कल आप देख सकते हैं मार्केट कल जो हायर पॉइंट था, तो हायर पॉइंट का एग्जैक्टली आप देख सकते हैं 50% रिट्रेसमेंट किया, तो 50% रिट्रेसमेंट करने का बाद मार्केट जो 50% रिट्रेसमेंट किया तो 50% का बाद ऊपर जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट कहाँ हो सकता है, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट दो हमें मिला हुआ है 100%, राइट। तो यहाँ से आप देखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं 50% में, तो मैंने दो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, एक टारगेट फर्स्ट टारगेट 123 में, तो 27400 में, और नेक्स्ट टारगेट है 27500। तो इसको देखेंगे तो मार्केट यहाँ तक जाने का चांसेस है, राइट। तो नेक्स्ट अगर हमने देखे इसमें, यहाँ पे अगर हम देखें, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, तो अगर हम इसको डायगोनल ट्रेंड लाइन हम लगा के देखेंगे तो हमें कहाँ पे मिला हुआ है एग्जैक्टली 123, तो 123 अभी है। फिर से यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस करके जो ये ब्रेकआउट हुआ, तो रिट्रेस करके फिर से 138 तक जाने का चांसेस है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।